हो जाए विली। पता ना, चोर अगर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चल रहे हैं 220 पे, तो पहले लेंगे पेट्रोल, फिर करते हैं बातें। दस 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 का दस रुपए टेन रुपीज पेट्रोल कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 10 रुपीज में 10 किलोमीटर। तो गाइज, मैंने 200 का लिया और मैं जस्ट बस ऐसी मज़े ले रहा था उसके साथ, देख रहा था क्या होता है, तो ले लिया पेट्रोल। तो आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आपको पता है मेरी हर वीडियो पे मैं बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, आगे चल के मिलते हैं, फिर करते हैं बातें। ख़राब है, मुझे यहीं से जाना होगा, ये पूरी ऑफ रोड है। तो मेरी बाइक का टायर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पता नहीं यहाँ पे ओए हाय हाय, तो यहाँ पे गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। इस टाइप के एरिया पे बहुत ही ध्यान से चलानी होती है बाइक। पहुँच चुके हैं बच्ची वाली रोड में। तो मैं बता दूँ कि आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, यानी कि आज मैं बताऊँगा कि आप यूज्ड बाइक को कैसे लें, भले वो पल्सर हो। अगर किसी को पल्सर 220 लेनी है यूज, या तो कोई भी बाइक लेने के सोच रहा है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता दूं, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई मुझे ये बाइक मिल रही है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ बता देता हूँ आपको, बाइक में क्या क्या देखना है, कितना रेट होना चाहिए, कुछ एक मतलब मैं आपको एक बता दूंगा, एक हिसाब सा बता दूंगा कितना रेट होना चाहिए, क्या रीसेल वैल्यू है बाइक की, नहीं है। तो गाइस, वीडियो को आप एंड तक देखना। और मैं बता दूं यार, मेरी बाइक का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा। मेरी पल्सर का एक टाइम तो अच्छी थी, बट इसका टायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं बता नहीं सकता हूँ, पूरे डेड लेवल पे है। और ये डेड के भी माइनस में चल रहा है, यानी कि अभी कभी भी फट भी सकता है टायर, ऐसा हाल हो चुका। बट फिर भी मैं रिस्क लेके चलाते जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा टायर चेंज करवाने का। तो गाइस, अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो यार, आप लोगों को थैंक यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना प्यार दिखा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं, बड़ी हो गई है फैमिली काफ़ी पहले से, तो फटाफट हमें 5 लाख करना है, 1 मिलियन पहुंचना है। तो सब्सक्राइब बटन करो, भाई को फॉलो करो, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन वो जो सॉन्ग है चोर राती, जो कि मैं अपने वीडियो पे यूज़ करता हूँ, वो मैं गाना पूरा रिलीज़ कर दूंगा, जो कि 3-3.5 मिनट का गाना है, वो मैं प्रॉपर पूरा अपलोड कर दूंगा 5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। तो गाइस प्लीज़, 5 लाख सब्सक्राइबर फटाफट करवा दो, वो सॉन्ग मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ी सी पहले बाइक दबाते हैं, दबाने के बाद, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पल्सर को नहीं चला रहा हूँ, स्पीड थोड़ी सी स्पीड चलाने के बाद दबा के रुकूंगा, आगे मैं दिखाऊंगा बाइक पे क्या क्या चीज़ आप देखना, फिर करते हैं बातें। और रोड थोड़ी सी अच्छी है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो एक बार हल्की फुल्की बाइक को खींच के देख लेते हैं। बाइक की पावर तो वैसे ही है, थोड़ी सी ड्रॉप पे यार पावर तो हो ही चुकी है बाइक की, मैं सच बता रहा हूँ, पावर पहले से ड्रॉप हुई है बाइक की, क्योंकि जब मैंने बनाई थी बाइक को, पूरा बिल्ड करा था बाइक को प्रॉपर, तब इसकी पावर कुछ और थी और अभी थोड़ी सी कुछ और है। बट कोई नहीं, जल्दी इसको फिर से प्रॉपर इसको अपग्रेड कर देंगे थोड़ा बहुत, बस टाइम की बात है गाइस, टाइम नहीं मिल रहा है। स्टंट मशीन भी मुझे करनी है अपग्रेड, उसको भी मैं अभी हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, सिर्फ टाइम की बात है, बट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, सॉन्ग भी डाल दूंगा। तो अब मैं बताता हूँ, अगर आपको बाइक लेनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड हैंड ले रहे हो तो, मैं यूज नई की बात नहीं कर रहा हूँ, यूज्ड बाइक की बात कर रहा हूँ। अगर आप नई भी ले रहे हो तो भी ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देते रहूँगा, एंड तक देखना वीडियो को। तो फिलहाल एक बार यहाँ पर रुक जाते हैं, रुक के मैं करता हूँ आपसे बातें। तो गाइज, बाइक लेने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, वो है
इसकी ओनर, यानी कि आप बाइक की आरसी ले लो और देखो बाइक फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है या थर्ड ओनर है। जैसे जैसे इसके ओनर बढ़ जाएंगे, ओनर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बाइक खरीदी, मैंने आगे बेच दी तो वो सेकंड ओनर हो गया, उसने आगे बेची तो थर्ड ओनर हो गया। पहले आप ओनर चेक करो, जैसे जैसे बाइक के ओनर बढ़ जाएंगे वैसे वैसे बाइक की वैल्यू होने वाली है कम, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, हमें जब बाइक आप देखोगे, बाइक पे आप पहले नज़र में जाएगी टायर पे, क्योंकि यार टायर काफ़ी महंगे होते हैं आपको पता ही होगा, तो पहले आप नज़र डालो टायर पे। जैसे इस वाले का टायर का आप हाल देख लो क्या हो चुका है, ठीक है, टायर पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो टायर आप देख लेना, आगे के टायर और पीछे के टायर, ठीक है, पीछे के टायर आगे के टायर। उसके बाद जो कि हमें देखना होगा, इस पे बाइक पे ओरिजिनल पेंट है या नहीं है, गाड़ी रीपेंट तो नहीं है। अगर रीपेंट है तो फिर भी बाइक की वैल्यू गिरने वाली है। अगर उसने कलर चेंज करवाया है, सारे मतलब सब कुछ बॉडी वगैरह चेंज कर ली है तो उसकी बात अलग है, बट अगर रीपेंट है तो रेट गिरने वाला है, हो गया। उसके बाद हमें देखनी है बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं। तो एक्सीडेंटल का कैसे पता लगता है, अब बाइक के जितने भी एजेस वाले पार्ट ना, जितने भी कोने वाले पार्ट है, वो आप देखो वहाँ पे स्क्रैच तो नहीं है, जैसे कि इसका लेग गार्ड हो गया, साइड के बॉडी के ये सब कोने वाले पार्ट हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कुछ ना कुछ, तो भले वो पेंट करा ले बंदा, पर कुछ ना कुछ उस पर बचा रह जाएगा, ठीक है, सबूत छोड़ जाएगा। आपको पता ना, चोर अगर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, तो आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद हमें चेक करनी होगी इसकी बैटरी, तो बैटरी खोल के देखना, बैटरी को कितने पुराने, कितने दिन हो गए, ठीक है, बैटरी देख लेना। तो उसके बाद हमें देखना है बाइक कितने किलोमीटर चली है, तो जैसे जितनी ज़्यादा किलोमीटर चली होगी उतनी वैल्यू बाइक की कम होगी, ये सब आप देख लो बाइक पे। उसके बाद आप बाइक का इंश्योरेंस देख लेना, ठीक है, कब तक इंश्योरेंस उसका वैलिड है। और उसके बाद हमें मेन देखना है, बाइक को ऑन करना है, ऑन करने के बाद देखना है बाइक से कहीं धुआं तो नहीं फेंक रही है बाइक। अगर धुआं फेंक रही होगी तो इसका मतलब उस पर हेड ब्लॉक का वर्क है, फिर आपका खर्चा भारी पड़ सकता है। अगर कोई भी बाइक आप लेने जा रहे हो, बाइक के साइलेंसर से आप फुल थ्रॉटल दे दो बाइक को, कोई दिक्कत नहीं है, फुल थ्रॉटल दो। अगर स्मोक आ रहे हैं, वाइट स्मोक आ रहे हैं, तो बाइक को वहीं पर छोड़ दो, बोलो भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, रख लो अपनी बाइक अपने पास, तुरंत स्किप कर देना, तुरंत कैंसिल कर देना बाइक को। उसके बाद हमें उसका हेड चेक करना है, हेड पे या फिर क्लच की पैकिंग साइड में देखना है, कहीं से ऑयल वगैरह तो नहीं गिर रहे हैं। इसके नीचे में कहीं भी देख लो, कहीं ऑयल नहीं गिरने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं है, तो ऑयल लीकेज कहीं से भी नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतनी मोटी मोटी चीज़ थी। उसके बाद आप बाइक को राइड करके देखना, उसका फॉर्क वगैरह सही है, बाइक एक साइड तो नहीं खींच रही है, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें देखना। तो ये सब चीज़ें देख ले, अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। आप कोई भी सर्विस सेंटर जाओ या लोकल मैकेनिक के पास जाओ, ठीक है, उसको बोलो भाई मैं एक बाइक ले रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं आपको 100 रुपये दे दूँगा, 200 दे दूँगा, कुछ भी दे दूँगा जो आप लोगे। आप ये बाइक देख के बता दो कैसी बाइक है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा भाई कि हाँ भाई ये बाइक सही है, आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं, तो मैकेनिक को तो नॉलेज है, वो तो आपको बता देगा, तो ये आप काम कर ले। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पल्सर 220 खोज रहे हो, तो बहुत लोग बोलते हैं भाई 220 मुझे मिल रही है 40,000 में, 50,000 में, तो जो भी बाइक मिल रही है ठीक है, हर सिटी का अलग होता है यार, कहीं कम होता है रेट, कहीं ज़्यादा होता है। वैसे मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, पल्सर 220 आपको 2012 से लेके 2011, 12, 13, 14 मॉडल आपको 40-50,000 के बीच में मिल जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप 15 से ऊपर जाते हो तो 50-60,000 तक मिल जानी चाहिए, फिर 60-70,000, इस टाइप से इसका रेट मार्केट में है, ठीक है। 220 की रीसेल है, उतनी रीसेल नहीं है 220 की, और RC 200 की भी कुछ ज़्यादा रीसेल नहीं है। 2 लाख की बाइक आपको 1 लाख 1,20,000 तक मिल जाती है, मैंने भी पहले सेल करी है और काफ़ी मिल जाती है। आप ओलेक्स वगैरह पे देख लो या किसी फ्रेंड सर्कल से ले सकते हो, इतना रेट आपको बाइक का इजीली मिल जाता है, ठीक है। और बाइक लेने समय इन सब चीज़ों का ध्यान रख ले आप, जो जो मैंने आपको बता दिया। तो एक व्हीली करके देखते हैं, जरा व्हीली हो रही है नहीं हो रही है, तो व्हीली तो 220 पे बहुत ही मस्त उड़ जाती है तुरंत तुरंत। तो अभी चलते हैं उस वाली रोड पे, ठीक है। हो जाए व्हीली, तो व्हीली तो ओके रिपोर्ट उठ रही है, ठीक है। तो गाइस बस मैं आपको यही सब बताने आया था। और अगर आप बाइक ले रहे हो नई बाइक, तो आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं BS6 में, और
अभी ज़्यादातर सारी बाइक्स हो चुकी है FI जो कि है फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाइक आप ले सकते हो इजीली। बट उस पर आप कार्बोरेटर में ट्यूनिंग वगैरह करके माइलेज को और पावर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जो भी है कंपनी अपने आप सेट करके दे रही है, इश्यू अपने आप उसको सेंस करके ट्यून करता है जो भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे करा, ठीक है, तो इसकी ट्रिक बहुत ही ईजी है, आपको पता ही होगा, एक्सीलेटर लॉक करा हुआ है और ये अपने आप बाइक चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल बहुत सारी वीडियो डाली है, तो गाइस बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई NS200 पे वीडियो लाओ, NS200 पे और अपाचे पे वीडियो लाओ। तो गाइस ज़रूर लाऊंगा मैं अपाचे पे भी, NS200 पे भी, ड्रैग रेसेस भी करेंगे, पावर बढ़ाने का भी तरीका बताऊंगा, टोचन भी डाल दूंगा, सब कुछ करूंगा, 0 to 100 एक्सेलरेशन दिखाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर भी दिखाऊंगा, स्टंट भी करके दिखाऊंगा दोनों बाइकों पे, जो भी आप MT15 बोल रहे हो सब बाइक पे करूंगा। बट थोड़ा सा गाइस उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे किसी फ्रेंड के पास ये बाइक नहीं है, बट जैसे मुझे मिलेगी मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस बस आज की वीडियो कुछ इतनी थी, अच्छी लगी तो भी बताना, बुरी लगी तो भी बताना, और कुछ कमी लगती है मेरी वीडियोस पे तो बता दो यार, मैं उसको ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यार इतनी थी, कभी कभी इस टाइप्स के ऑफ रोड ड्राइविंग भी करनी पड़ती है। और इस टाइप की ऑफ रोड ड्राइविंग में गिरने का भी बहुत डर रहता है। ये अंकल को देख लो, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।